वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंस्टाग्राम रील्स और बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहे 1 2 3 दिल को करार आया गाने के बीट सिंग पर सेकी पेक लाकर एकदम जबरदस्त स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो एकदम कमाल का और नया है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको प्री वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्री वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनने के लिए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सिकी पेक प्रीसेट लिंक लगेगी, ये जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करने पर एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट, सिकी पेक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और सिकी पेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको इम्पोर्ट किए हुए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा 1 2 3 दिल को करार आया ये वाला गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बिटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों, शुरुआत के जो 3 बीट्स है, यानी कि यहाँ तक 3.07 सेकंड तक जो बीट्स है उनमें हम एक वीडियो ऐड करेंगे ग्रीन स्क्रीन वाला। उसमें हमारा 1 2 3 ये वाला नंबर है, उसमें फोटो ऐड करेंगे हम। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा ही किस तरह से हम इसे ऐड करेंगे। उसके बाद 3.07 से लेकर हमारे जो एंड तक के बीट है वो 17 बीट्स है, उन 17 बीट्स में हम इमेजेस ऐड करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आ जाना है पहले बिट पर 0.22 सेकंड पर, 0.022 सेकंड वहां पर आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर आपको ऑल मेटल से इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। इस वाले वीडियो को डाउनलोड करने के बाद इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जाना है तीसरे बिटमार्क यानी कि 3.07 सेकंड वाले बिटमार्क पर और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 1 2 3 ये वाला लिरिक्स जैसा ही दोस्तों वीडियो ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें इसमें क्रोमा की इसमें जो हरा कलर है क्रोमा की मदद से इसको रिमूव कर लेना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट में जाकर मैटे मास्क एंड की उसमें जाना है और क्रोमा की को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको इसका जो थ्रेशोल्ड होगा उस पर क्लिक करना है और थ्रेशोल्ड को आपको सिर्फ इंक्रीज कर देना है। थ्रेशोल्ड को वहाँ तक इंक्रीज कर लीजिए जब तक ग्रीन कलर रिमूव नहीं होता, तब तक दोस्तों इसको इंक्रीज कर लीजिए। 2500 के ऊपर इसको आप कर सकते हैं। ये करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 इसमें हमें इमेजेस ऐड करने हैं, तो 1 2 3 जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ पर आ जाना है, यानी कि पहले वाले बिटमार्क पर आना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर जिन भी इमेज पर आपके वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समंता रुद्र प्रभु या समंता किन्नी की इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से एक वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इमेज को ऐड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद जो हमारी हमने इमेज ऐड की है उसको तो नेक्स्ट वाले बिटमार्क उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद होल्ड करके रखना है इस तरह से इमेज को, नीचे जो हमारा वीडियो है इसके नीचे खींच लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से अब आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमें इमेज में 1 है हमारा उसमें सेट कर लेना है। दोस्तों, आपके इमेज पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर आप इसको सबसे पहले तो छोटा कर लीजिए इमेज को। इमेज को छोटा करने के बाद एक नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। इस तरह से मैंने किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको ये करना है, दूसरे वाले बिटमार्क पर जाना है 1.18 सेकंड वाले, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और नेक्स्ट इमेज को आपको
सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। नेक्स्ट इमेज को ऐड करने के बाद आपको फिर से एक बार इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा आगे वाले बिट मार्क के उसको कट कर लेना है और होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के बाद नीचे खींच लीजिए हमारे वीडियो के। वीडियो के नीचे खींच लेने के बाद दोस्तों आपको ये करना है, सिंपली से यहाँ पर आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। इसकी साइज सबसे पहले कम कर लीजिए। साइज कम करने के बाद इसको अच्छी तरह से इधर सेट कर देना है। दोस्तों हीरो का नॉर्मल सा फेस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि फुल इमेजेस ही आए, नॉर्मल सा फेस दिखना है चाहिए तो भी ठीक है। दोस्तों हमारे दूसरी भी इमेज ऐड हो चुके हैं, अब आपको लास्ट तीसरी इमेज को ऐड कर लेना है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों तीसरी इमेज को भी आपको ऐड कर लेना है इस तरह से। इमेज को ऐड करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लीजिए, होल्ड करके रखिए, इसे नीचे खींच लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अब आपको इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको इस तरह से सेट कर दीजिए। दोस्तों करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस वीडियो में इमेजेस तीन हमारे 1, 2, 3 तीन इमेजेस ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम इमेजेस ऐड करेंगे हमारे नॉर्मल, इसमें इन तीन इमेज में हमें और कोई भी नहीं करना है वीडियो के साथ, कोई नहीं होगा, हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम 3.07 से लेकर एंड तक इमेजेस ऐड करने वाले हैं। 17 या 18 इमेज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों हमें, तो सभी इमेज को आपको वन बाय वन ऐड कर लेना है इस तरह से। इमेज ऐड करने के बाद इसे थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले बिट मार्क पर जाकर इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों मैं सभी के सभी इमेज को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से इमेजेस ऐड करने होंगे। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों आपको जो हमारे वीडियो के बाद जो तीन इमेजेस हो गए उनको छोड़ के जो हमारे नेक्स्ट इमेज होगी 3.07 से, उन आगे वाले इमेजेस पर हमें इफेक्ट्स लगा देना है। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे 6 इमेजेस हो गए 3.07 से लेकर 12.24 सेकंड तक के 6 इमेजेस हो गए, उन 6 इमेजेस में हमें मूविंग इफेक्ट प्लस हमारा सेक इफेक्ट भी लगाना है। उससे पहले हम मूविंग इफेक्ट लगाएंगे। दोस्तों मूविंग इफेक्ट लगाने के लिए आपको पहले इमेज पे क्लिक करना है 3.07 सेकंड वाले बिट मार्क वाले, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नॉर्मल सा जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग 1 नंबर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और वहाँ पर स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए। एनिमेशन लगा देने के बाद उसको इमेज को आपको एक साइड लेफ्ट या राइट साइड मूव कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा नॉर्मल सा। उसको मूव करने के बाद दोस्तों आपको आगे जाना है एंड पर, एंड से थोड़ा एक नॉर्मल एक पॉइंट एक सेकंड दोस्तों आपको आ जाना है आगे जो हमारे पहले इमेज दिखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना है और इस तरह से इमेज को अब आपको अपोजिट साइड मूव कर लेना है। दोस्तों अपोजिट साइड मूव करने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद फिर से एक बार अब आपको दूसरे इमेज पर ए वाला प्रोसेस कर देना है। दूसरे इमेज पर आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर सबसे पहले इमेज की साइज को इंक्रीज कर लीजिए 1 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अब हमने लेफ्ट साइड मूव किया था, अब आपको राइट साइड मूव कर लेना है। तो इस तरह से राइट साइड मूव करने के बाद दोस्तों आपको अब आपको एंड में जाना है, एंड से थोड़ा सा नॉर्मल आगे और की एनिमेशन ऐड कर दीजिए और आपको इस अब इसको इस साइड मूव कर लेना है। इस तरह से मूव करने के बाद दोस्तों पहले 6 इमेज पर आप ए वाला प्रोसेस कर दीजिए। दोस्तों मैं फटाफट 6 के 6 इमेज पर मूविंग इफेक्ट लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने 6 के 6 इमेजेस पर मूविंग इफेक्ट की एनिमेशन की मदद से लगा दिया है। दोस्तों पहले 6 इमेज पर ए वाला की फ्रेम की मदद से एनिमेशन लगा देने के बाद आपको क्या करना है, हमारे जो सेक इफेक्ट प्रीसेट मैंने प्रोवाइड किए है उसको ओपन कर लेना है। सेक इफेक्ट प्रीसेट में आप देख सकते हैं 3 इमेज है, तीनों भी इमेजेस में अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी जो इमेज होगी उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों हमारे जो 6 इमेज होंगे जिनमें हमने की फ्रेम की मदद से मूविंग इफेक्ट लगाया है, उन 6 के 6 इमेज पर आपको ए वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों पहले 6 इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद तो 3 इमेज, 4थी 5वीं और 6ठी 6 इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ इसको कुछ इस तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हमारा इफेक्ट और हमारा मूविंग इफेक्ट भी लग चुका है। दोस्तों देखने में भी काफ़ी कमाल का लगता है। दोस्तों एक करने के बाद आपको बैक आना है, सेक इफेक्ट प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को अब आपको कॉपी करना होगा। दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद जो हमने 6 इमेज पर लगाया है इफेक्ट, 6 इमेज के आगे जो लगातार 5 इमेजेस हो गए, दोस्तों हमने 12.24 सेकंड तक ये वाला इफेक्ट लगाया है, तो 12.24 सेकंड के आगे जो 5 इमेजेस हो गए दोस्तों उन 5 इमेज पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट ऐड कर देना है। 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 यानी कि
12.24 से लेकर 16.09 सेकंड तक आपको दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा। दूसरा इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन करना होगा और तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को अब आपको कॉपी करना है। तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को अब आपको बचे हुए 6, 5, 11 हो गए और हमारे बचे हुए 6 या 7 इमेज हो गए, उन 6 या 7 इमेज पर आपको एंड तक 16.09 सेकंड से लेकर एंड तक जितने बचे हुए इमेजेस होंगे उन एंड तक ये वाले इमेज पर आपको ये वाला तीसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये वाला तीसरा इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों हमारा सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ हमें एक लो पार्टिकल इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में दोस्तों आपको आ जाना है जहाँ पर हमारा 1, 2, 3 एंड होगा वीडियो 3.07 सेकंड पर, वहाँ पर आना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने जो आपको पार्टिकल वीडियो प्रोवाइड किया है ये वाला इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर दो नंबर वाले रोटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको -90 या +90 डिग्री में रोटेट कर दीजिए। राइट साइड वाले 3 डॉट पर क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन इनेबल कर दीजिए और जहाँ पर हमारा स्टेटस एंड होगा 25.03 सेकंड पर वहाँ के आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दे रहा है। कट कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले ओवरले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है या पार्टिकल इफेक्ट को, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है, लाइटन में स्क्रीन पिनेबल कर दीजिए और अगर आपको इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों करने के बाद हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोगों ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए, दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना है, वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर दोनों में नहीं होगा दोस्तों आप लेटेस्ट वाला अलर्ट मोशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।